शेर सफारी, यहाँ आप जंगल में मैजेस्टिक एनिमल एशियाटिक लायन को देखने का मजा उठा सकेंगे। ऐसे एक दो प्रजाति ऐसे भी हैं जो साल या एक दो साल पर अपने सिंह को गिरा देते हैं, उसे एंटलर करते हैं और जिनका सिंह परमानेंट हो तो उसका एंटलर रोक करते हैं। एक बॉबी डे और एक सर्वे डे करते हैं। अब आप लोग विंडो के दोनों तरफ देखते चले। देख सकते दोस्तों, ये हिरन का सबसे बड़ा प्रजाति है। टाइगर लोगों का सबसे एकदम बढ़िया चिकन चिकन जैसा बोल लिए। इस इंक्लोजर में पांच, जिसका हम आप लोगों को चार दिखा दिए, एक जो पार्किंग भी है आपको दिखाई नहीं, बाकी चार दिखा दिए। इसके बाद हम लोग सर्वहारी जानवर के इंक्लोजर में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम आपको भाल दिखाएंगे, स्लोथ प्रजाति के भाल दिखाएंगे। भालू का जीवन काल होता है 25 से 30 वर्ष। यदि इसे चिड़िया खाना सफारी में रखे जाते हैं तो 40 वर्ष और उससे अधिक दिन हो जाते हैं। इनका जो प्रजनन का समय होता है गर्मी दिनों अप्रैल महीने, प्रजनन के 210 दिनों के बाद एक से दो बच्चे के जन्म होते हैं। शुरुआती दिनों में इनकी बच्चे के शरीर पर बाल भी नहीं होते और आंख से दिखाई भी नहीं देते। 6 सप्ताह के बाद शरीर पर बाल उठते हैं और आंख से दिखाई देते हैं। इसके बाद मादा भालू क्या करते हैं, इसे पीठ पर रख के इधर घूमना करते हैं। बस नंबर 7 बंदे जाना ये सफारी गेट नंबर 1 ओपन कर दी। देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा है और इसमें बियर सफारी है, यानी कि यहाँ पे आपको भालू देखने को मिलेंगे। जिनके गले के इसका 14-16% जिनके गले के नीचे में आयल होंगे इसे बाल कहते हैं, मेल होंगे, जिनके बाल नहीं होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, रोपवे पर बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा, मतलब क्या ही बोले, पूरा एकदम हिलते हिलते जा रहा है और इधर से आ भी रहा है, मतलब एडवेंचरस, मतलब बहुत एकदम हाई लेवल। और इसके बगल में जो देखिए, जो रोपवे जो दिख रहा है, जो टावर जैसा, उसमें क्या होता है, उसका भी मेंटेनेंस चल रहा है दोस्तों, लेकिन असली जो एडवेंचर है वो इसी में है तो बहुत ही ज्यादा मतलब एडवेंचरस है। और देखिए आगे स्वीटी है और पीछे जो है मम्मी पापा लोग। आराम से चलो स्वीटी, हाँ आराम से। डर लग रहा क्या बाबू? नहीं लग
हाँ जाओ आराम आराम से, आसपास देखते जाओ सिटी इधर उधर, डरना नहीं है। अब वही यदि पैदल जाती तो 1.5 घंटा लग जाता। देखो नीचे बंदर है, अरे बंदर, हाय बोलो बंदर। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बंदर है, बंदर से भी ऊपर है। हम लोग बड़ा वाला बंदर है, लोग छोटा वाला बंदर है। ये जो रोपवे है दोस्तों काफी ज्यादा जो है पुराना है, और आज से ही नहीं कई सालों से जो है ये इस तरह चल रहा है। लेकिन देखिए जो नया वाला रोपवे बना है उसका भी मेंटेनेंस चल रहा है, और ये जो पुराना वाला जो रोपवे है काफी ज्यादा अच्छा है। और देखते जाइए आसपास के नजारे, लोगों को धीरे धीरे ऊपर ये जा रहा है। सकते दोस्तों जो न्यू जो रोपवे है उसका यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है, काम वगैरह चल रहा है, उसको जो है एकदम मजबूती से जो है एकदम बनाया जा रहा है ताकि वो काफी लंबे समय के लिए चले। क्योंकि जब वो न्यू वाला रोपवे चालू हो जाएगा तो इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है पुराना वाले रोपवे ही है। और हम लोग लकी हैं कि इस रोपवे में बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों जब न्यू वाला रोपवे ओपन होगा तो ये पुराना जो रोपवे है ये पूरी तरह से जो है बंद हो जाएगा, और इसका अनुभव आप लोग नहीं ले पाएंगे। तो आराम से उसमें बैठेंगे और पूरी तरह से वो पैक होगा। वो देखिए अब हम लोग बहुत जल्द पहुंचने ही वाले हैं। और मुझे याद है दोस्तों जब मैं 2016 में आया था तो रोपवे से नहीं आया था, पैदल चढ़ा था, तो लगभग 1.5 घंटे जो है लग गया था, और उतरने में 30 से 40 मिनट लग जाता है दोस्तों। पैर जो है पूरी तरह से आपका दुख जाएगा, थक जाएगा। वो देखिए बहुत जल्द हम वहाँ उतरेंगे और पहाड़ों पर से देखेंगे कि राजगीर कैसा दिखता है, बिहार का जो शांति स्तूप है जो बुद्ध भगवान का है वो कैसा दिखता है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, बहुत ही अच्छा उसका सजावट किया गया है दोस्तों, तो वो भी देखेंगे। तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी शाम हो चुका है और हम लोग रोपवे से आए हैं, तो थोड़ा बहुत जान बचा हुआ है। और मेरे जस्ट साइड में है विश्व शांति स्तूप भगवान बुद्ध का, वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, काफी ज्यादा प्यारा है, और पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देख सकते दोस्तों ये है विश्व शांति स्तूप भगवान बुद्ध का, और यहाँ से आपको पूरा ये जो रत्नागिरी पहाड़ है, राजगीर का जो भी पहाड़ है, और राजगीर का पूरा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से इधर से यदि आप आते हो, पैदल आते हो तो इसी सीढ़ी से आपको आना है। और आगे भी एक मंदिर है जहाँ पे क्या ढोलक टाइप का कुछ बजता है, और ये रहा भगवान बुद्ध का, वो देखिए उन्हीं के लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है। और चारों तरफ जो है भगवान बुद्ध का जो बड़ा बड़ा जो मूर्ति है वो बनाया गया है।
देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग राजगीर का जो विश्व शांति स्तूप है वहां पे आए हैं, और यहां पे भगवान बुद्ध का बहुत ही भव्य मंदिर है, तो आप लोग यहां पे भी आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहां से कुछ ऐसा व्यू आता है, और इसके सामने वाले में है मेरे पापा, और यहां से देखिए एकदम पर्वत पर्वत दिखता है। और डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडवेंचरस है, इससे डर भी दूर होता है। और नीचे देखिए पूरा राजगीर है, उधर रोड है ना, और थोड़ा सा आगे जाके उधर आपका पूरा जंगल सफारी, ग्लास ब्रिज, ये सब कुछ है। आज का जो ब्लॉग है दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा।